ये है पैनासोनिक का डीसी इन्वर्टर का इंडोर यूनिट। ये एरर कोड यहाँ पे इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर के डिस्प्ले पे आ चुका है। देखें टाइमर की लाइट जो वो ब्लिंक कर रही है, तो इसका क्या मतलब है और ये एरर कोड क्या है, इसको हम रिमोट के ज़रिए मालूम करेंगे। तो दोस्तों अब हम रिमोट के ज़रिए से इसका मालूम करेंगे, एरर कोड मालूम करेंगे। तो रिमोट के ज़रिए एरर कोड कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए हमने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं H11 पर, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वीडियो देखकर वो आप सीख सकते हैं। तो अभी इसका हम एरर कोड मालूम करेंगे। अब हम रिमोट से मालूम करेंगे। देखिए अभी इसको स्क्रॉल करेंगे तो जो एरर कोड होगा वो रिमोट पे आ जाएगा। तो ये देखें अब इसको स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे। अब ये आना शुरू, जब एरर कोड इसके साथ मैच कर जाएगा इंडोर के साथ, तो यो बीप करना शुरू कर देगा। ये देखें इसने H19 पर इसने बीप किया है। इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि इसका H19 एरर कोड है अभी इस पे शो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी H19 एरर कोड आपके डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पे एरर शो करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि आपके इंडोर फैन मोटर जो है वो फॉल्टी है, वो किसी भी वजह से रुक गई है, नहीं चल रही है, या जाम हो गई है, या ख़राब हो गई है। तो आप उसकी इंडोर फैन मोटर को चेक कर लेंगे, तो अगर तो वो ख़राब है उसको चेंज कर लें, और अगर ठीक है तो फिर इसके PCB में मसला हो सकता है, उसके PCB को चेक कर लें। अभी हम आपको इसके दिखाते हैं कि वे कहाँ पे इसके कनेक्टर लगे होते हैं। तो जब आप इंडोर का कवर मुकम्मल खोल लेंगे, देखें हमने खोल लिया इसका कवर, जब खोल लेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का कनेक्टर नज़र आएगा। ये देखें ये कनेक्टर यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं इसको निकाल लूँगा अभी। तो ये एक देखें DC फैन मोटर है ये, ठीक है, DC ऑपरेटेड है, और ये यहाँ पर इस कनेक्टर में लगी होती है। ये देखें ये कनेक्टर है जी, तो इसमें लगी होती है। जब इसमें फॉल्ट आ जाए, या PCB में फॉल्ट आ जाए, या मोटर किसी वजह से जाम हो जाए, ख़राब हो जाए, तो ये जो है आपका H19 एरर कोड डिस्प्ले पे शो होगा। और अब हम अगले एरर कोड्स की बात करेंगे। तो दोस्तों ये देखें अब एरर कोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। टाइमर की लाइट ब्लिंक हो रही है। अब हम इसको रिमोट के थ्रू इसका करेंगे, इसका एरर कोड मालूम करेंगे, प्रेस कर देंगे। देखें अब ये थोड़ी देर रुक के इसका ये ब्लैंक हो जाएगी स्क्रीन की। देखिए प्रेस किया हमने जी दोस्तों, तो देखें अब ये स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी है, ये दो टू डॉट्स आ चुके हैं। तो अब हम इसको प्रेस कर लेंगे तो हमें ये शो करेगा कि इसमें कौन सा एरर कोड है। 1 2 देखें ये अभी एरर कोड जो होगा यहाँ पर उसको बीप करना चाहिए, यूनिट जो है बीप करना शुरू कर देगा। अब देखें हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ये देखिए जी बीप बीप के बाद अब रिमोट पर S71 एरर कोड जो है वो कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके आउटडोर यूनिट के PCB में जो है वो मसला है, और आपका जो आउटडोर है उसका PCB का कूलिंग फैन जो है वो फॉल्टी हो चुका है। चलें हम आपको दिखाते हैं कूलिंग फ़ैन। आउटडोर का PCB को उठा लें, खोल लें मुकम्मल तौर पे, तो देखें PCB के बॉक्स की बॉडी के अंदर ये कूलिंग फ़ैन लगा होता है। ये देखें ये कूलिंग फ़ैन है, तो अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका जो DC इन्वर्टर यूनिट है वो इंडोर यूनिट है वो आपको H71 या HF87 एरर देगा। तो दोस्तों हमने इस फैन को इसकी जगह से निकाल लिया है, PCB के नीचे जो लगा होता है, ठीक है जी। ये देखें इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे है, देखें ये 12 DC वोल्ट और 0.17 एम्पेयर लेता है। तो अगर ये किसी भी वजह से देखें जाम हो जाए, या PCB ऐसे में मसला आ जाए तो ये ना चले, या ये कनेक्टर जो है वो लूज़ हो जाए, कनेक्टर किसी वजह से लूज़ हो जाए, तो भी ये मसला करेगा। तो जब ये नहीं चलेगा तो यहाँ पे देखें मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ। दोस्तों देखें यूनिट में ये PCB कुछ इस तरह लगा होता है, जब हम इसको उठाएंगे निकालेंगे, ठीक है, तो ये देखें इसके नीचे ये आपको छोटा सा एक वेपरेटर बना हुआ है,
ठीक है। तो जब ये कंडेंस होके सर गैस आ रही होती है और कैपरी से गुजर के पहले यहाँ पे ठंडक आती है, इसके बाद जो है वो आपके रूम की तरफ जाती है। तो यहाँ से ये ठंडक, ये फ़ैन जो है, ये वाला फ़ैन, इसने ठंडक यहाँ से उठा के तो इस पीसीबी के, देखें इस पीसीबी की बॉडी जो है सारी, इसके अंदर इसने सर्कुलेट करनी होती है ताकि ये पीसीबी जो है वो ठंडा रहे। अगर ये ठंडा नहीं होगा तो ये F87 एरर दे सकता है कि आपका जो पीसीबी है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, और फिर उसके बाद ये देगा आपको H71, ठीक है, तो जब ये फ़ैन काम नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको S71 और F87 के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको बयान करूँगा। जब S71 एरर कोड आएगा तो इसका मतलब यह है कि कूलिंग फ़ैन जो है वो ख़राब है, और सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि सर्किट जो है हीटअप हो रहा है, लेकिन चूंकि कूलिंग फ़ैन नहीं चल रहा है तो इस वजह से वो उसको डिटेक्ट करते हुए आपको शो करेगा कि ये कूलिंग फ़ैन का मसला है। और जब F87 एरर कोड कन्फर्म हो जाए रिमोट पर तो इसका मतलब यह है कि जो आउटडोर का पीसीबी है उसका कूलिंग फ़ैन जो वो काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो है पीसीबी है वो गर्म हो रहा है। तो इसकी तीन वजहें हो सकती हैं। पहली वजह ये कि आपकी इलेक्ट्रिक में कुछ मसला हो सकता है, पीसीबी में मसला हो सकता है, और जो कंप्रेसर है वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स ले रहा है तो इस वजह से भी वो हीटअप होगा, और जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करेगा कि कूलिंग फ़ैन तो काम कर रहा है लेकिन इसके बावजूद भी सर्किट जो है वो पीसीबी जो है वो गर्म हो रहा है, तो इस वजह से वो F87 एरर कोड शो करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम आएगी।